दर्शन दर्शन करके बाहर नहीं दे रहा। हम चाहते हैं कि सीबीआई तुरंत से तुरंत रिपोर्ट दे, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया में देखते होंगे, आप लोग माया बाजार के रहने वाले सीधे साधे लोग, और जो पूरा क्षेत्र जोन सी से या दूसरे जगह से आए हैं उस पर केवल झूठ चल रहा है। हमको बताइए, क्या अभी तक कलकत्ता पुलिस को रिपोर्ट दिया है? दिया है कोई? बोलिए, नहीं दिया ना। कोई सीबीआई को रिपोर्ट दिया है? नहीं दिया है। फिर ये लोग बोलता है कि चार पांच आदमी मिल करके उसका बलात्कार किया, कोई रिपोर्ट आया नहीं। जो सीसीटीवी कैमरा जिससे दिखाई देता है कि कौन कमरा में गया और कौन आया, जिस आदमी को 24 घंटे के अंदर कलकत्ता पुलिस पकड़ ली,
जो ये घृणित कार्य किया था वही आदमी उस कमरे में गया था और उस कमरे से 35 मिनट के बाद आया था। उसके अलावा सीसीटीवी कैमरा में और कोई दूसरा आदमी नहीं है। अभी पंकज जी बोल रहे थे ना, ये वाम वाला और भाजपा वाला मिल करके लोगों के बीच में भ्रम फैलाता है। आज तक नरेंद्र मोदी केवल एक जगह है पश्चिम बंगाल जहां पर कभी जीत नहीं पाया, पूरे देश भर में सब जगह जीता, लेकिन हमारी ममता दीदी, ममता बंदोपाध्याय महिषासुर मर्दनी है, ऐसे झूठे लोगों को आने नहीं देती है। जो समाज में रहने के लायक नहीं है ऐसे लोगों को तुरंत फांसी मिले उसको लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी महिला मुख्यमंत्री जो वाम के अत्याचार के विरुद्ध लड़कर अपना माथा भंगचूर करवाकर जो सीपीएम वाला लोग सड़क पर मरने के लिए ममता बंदोपाध्याय को छोड़ गया था, वो हिम्मत नहीं छोड़ी, वो महिषासुर मर्दनी की तरह लड़ी और लड़कर के वाम को यहां से भगाई। आज वही सामने खड़े होकर हम सबों से कह रही है कि हम लोग को एक साथ मिलकर केंद्र सरकार और सीबीआई के ऊपर मांग करना चाहिए कि आप रिपोर्ट दीजिए और उस आदमी को फांसी पर चढ़ाइए, जिससे कि ये उदाहरण पूरे देश भर में बन सके कि दोबारा कोई किसी मां का इस प्रकार से अपमान बलात्कार नहीं कर सके। शांति जाए।